नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th ICSE के फिजिक्स के चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट दोस्तों नोट्स कराने वाला हूं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वन नोट ही आप इसको बोल लीजिए, वन शॉट बोल लीजिए इसको। तो चलिए पूरे चैप्टर को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फोर्स, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या, फोर्स। तो चलिए देख लेते हैं आखिर फोर्स क्या होता है। तो फोर्स एक फिजिकल कॉज होता है दोस्तों, जिसकी वजह से बॉडी में क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है, या फिर उसका शेप और साइज कुछ भी चेंज हो जा सकता है। जैसे कि फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, जब कोई रिजिड बॉडी होगा, रिजिड बॉडी मींस ऐसा बॉडी, टफ बोल लीजिए, टफ या फिर हार्ड बॉडी बोल लीजिए। तो रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है दोस्तों जो कि टफ होता है और हार्ड होता है। तो जब हम कोई रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, मोशन करेगा। जैसे कि ये बॉक्स एक रिजिड बॉडी है, ये लड़का इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है। लेकिन वही जब हम एक नॉन रिजिड बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये है रबर बैंड, ये रबर बैंड है और ये है बैलून, ये दोनों क्या है, नॉन रिजिड बॉडी है। तो जब हम नॉन रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, उसका साइज और उसका शेप दोनों को चेंज कर देगा या फिर मोशन में भी ले आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रबर बैंड का भी साइज छोटा है, जब हम इस पे फोर्स लगाएं तो इसका साइज बढ़ गया, मतलब ये क्या किया, उसका साइज को चेंज कर दिया। अभी हम देख रहे हैं ये बैलून का शेप ऐसा है, जब हम इस पे फोर्स लगाएं तो ये चपटा हो गया, मींस इसका शेप चेंज हो गया। तो फोर्स क्या करता है, कोई रिजिड बॉडी है अगर उस पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो उसको मोशन में ले आएगा, अगर कोई नॉन रिजिड बॉडी है तो उसका शेप और साइज चेंज कर देगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर क्वांटिटेटिवली बोलने की कोशिश करें, कैलकुलेटिवली बोलने की कोशिश करें फोर्स क्या होता है, तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब देखिए दोस्तों, न्यूटन का सेकेंड लॉ आप लोग पढ़े होंगे, वो बोलता है क्या कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर कितना, उसके मोमेंटम में कितने रेट से चेंज हो रहा है, वही उसका क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से दोस्तों, एफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे P हमारा मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्या होता है, मास और वेलोसिटी का क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट होता है। तो ये दोस्तों सेकंड लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला आया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमारा मास कांस्टेंट रहा, m जो है वो कांस्टेंट रहा, तो ये फॉर्मूला P की जगह पे हम पुट किए m भी, यहाँ से m जो है बाहर निकालें, ये क्या है हमारा m कांस्टेंट है, और dv / dt हम जानते हैं वेलोसिटी / टाइम हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला हो गया एम ए, दैट मींस एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहां तक, और यहां पे दोस्तों एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन होता है, और इसका सीजीएस यूनिट बोलेंगे दोस्तों। अगर इसका सीजीएस यूनिट का बात करें, फोर्स का सीजीएस यूनिट, तो ये होता है डाइन, क्या होता है, डाइन। और हम जानते हैं दोस्तों कि 1 न्यूटन में 10^5 डाइन होती है, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है, तो 10^5 डाइन होती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। यहाँ नाम से ही पता चल जा रहा है, ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन। जब हम कोई बॉडी पे फोर्स एक्ट करते हैं, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी, जब कोई रुका हुआ रिजिड बॉडी पे हम फोर्स एक्ट करते हैं, तो विच इज फ्री टू मूव, तो जो फ्री हो मूव करने के लिए, तो बॉडी क्या करेगा, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर कोई स्टेशनरी रिजिड बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी फ्री हो मूव करने के लिए, तो वो क्या करेगा कि स्ट्रेट पाथ पे मूव करने लगेगा, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा, और उसी तरीके के मोशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है दोस्तों, ये रिजिड बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट हम बोले रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो जब हम कोई फोर्स, कोई एक बॉडी है वो एक फिक्स पॉइंट पे फिक्स्ड है, इस पॉइंट पे वो पाइवोट है, मींस फिक्स है, तो अगर हम उस पे कोई एक सुटेबल पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट, देखिए ये जो बॉडी है ये मूव करने के लिए फ्री नहीं है, ये क्या करता है कि ये अपने उस एक्सिस के अलोंग रोटेट करने लगता है, टर्न करने लगता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट ए सुटेबल पॉइंट, अगर किसी बॉडी पे एक सुटेबल पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करें, इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस,
वो उस एक्सिस के अलोंग वो बॉडी क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट, जो पाइवोट जिस पॉइंट पे वो फिक्स है। दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, और इसी को हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स भी बोलते हैं और इसी को रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, उसी को हम लोग टॉर्क या फिर टर्क बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलिए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलिए या टर्क बोलिए, तीनों जो है सेम ही है। टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, तो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट को ही हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पाइवोट पॉइंट और पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट विल टर्न। तो ये इस बॉडी का, ऑब्जेक्ट का पाइवोट पॉइंट है और इस पॉइंट पे हम लगा रहे हैं फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इसकी वजह से ये बॉडी क्या करने लगेगा, इधर की अलोंग रोटेट करने लगेगा, टर्न कर जाएगा, रोटेट करने लगेगा। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं और टॉर्क बोलते हैं या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। मतलब अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स लिखना चाहें तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट का जो फिक्स पॉइंट है वहां से ये जो फोर्स लगा रहे इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये डी, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई ही कहलाता है, मल्टीप्लीकेशन ही कहलाता है, प्रोडक्ट ही कहलाता है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। अब ये टर्निंग इफेक्ट जो है या फिर जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियस बात है कि दो ही फैक्टर पे, एक फोर्स पे और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा, फोर्स घटाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स घटेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस घटाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स घटेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं दोस्तों इसका मेजरमेंट, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स का मेजरमेंट, तो ये एक बॉडी है, इसका फिक्स पॉइंट है ये जी और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों डी और इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में एफ। हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ पे फोर्स है हमारा एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, इस हिसाब से मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा आ गया एफ डी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस हिसाब से इसका यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो फोर्स का होता है यूनिट क्या, न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, उस हिसाब से मोमेंट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा इसका, डाइन सेंटीमीटर, और 1 न्यूटन मीटर में 10^7 डाइन सेंटीमीटर होता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अब हम आगे चलेंगे, अब देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा वाला डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब सीधा आप समझ लीजिए, इफ द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई बॉडी पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से वो बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा, टर्न कर गया एंटी क्लॉकवाइज, तो उस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्क्रू, जानते हैं दोस्तों स्क्रू जो ऐसे करके होता है, स्क्रू जो ऐसे करके होता है दोस्तों, ये वाला जिससे हम लोग नट उट खोलते हैं, तो वो क्या होता है कि अगर हम ये देखिए दोस्तों, जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट घुमाएंगे तो वो स्क्रू बाहर आता नजर आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और ये आउटवर्ड निकलता है। अगर हम लोग नट को खोलते हैं तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उस स्क्रू को, जिसकी वजह से नट बाहर आता है, मींस वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, एक्सिस के आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरीके से है क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर कोई बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से वो बॉडी क्या हो जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाए, तो उस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट बोलेंगे। और ये नेगेटिव लिया जाता है दोस्तों, क्लॉकवाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है, और इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी जो है, सॉरी उसका जो मोमेंट होता है, द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज अलोंग द एक्सिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इनवर्ड। मतलब उसका जो डायरेक्शन होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, वो क्या होता है, इनवर्ड होता है, किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाई चेंजिंग अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं दोस्तों, इसका हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसका पॉइंट चेंज कर रहे हैं, जिसके और इसका पॉइंट चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लेकिन यही डायरेक्शन में हम फोर्स अगर इस पॉइंट पे लगा दे रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मतलब ये है कि हम पॉइंट ऑफ जो एप्लीकेशन है, जो फोर्स का
फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसका पॉइंट चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका मोमेंट भी चेंज हो जा रहा है। और दूसरा, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये इधर मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज। तो मतलब चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसके वजह से भी उसके मोमेंट में चेंज होगा। अब देखिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हैं इसके मोमेंट ऑफ फोर्स के। तो पहला है ये मेरा स्पैनर या फिर बोल लीजिए जो भी है स्पैनर है। तो इसमें देख रहे दोस्तों इसके यहाँ पे ये नट लगा हुआ है, मतलब ये है उसका पिवट पॉइंट समझ लीजिए, और यहाँ से यहाँ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोस्तों, और ये लग रहा है उस पर हम फोर्स, और यही है उसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स का। उसी तरीके से गेट यहाँ पे फिक्स्ड होता है दोस्तों, और ये गेट का ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, और इस पे हम लोग फोर्स लगाते हैं इधर की ओर में, जिसकी वजह से वो गेट क्या होता है खुलता है। ये दोनों एग्जांपल से, फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कंक्लूड दैट द टर्निंग ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस डिपेंड्स नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट ऑल्सो ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हमें ये कंक्लूजन मिला कि दोस्तों कि जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होता है या टर्निंग इफेक्ट होता है कोई भी बॉडी का उसके एक्सिस के अलोंग, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस इज द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम, सॉरी यहाँ पे सेम टर्निंग इफेक्ट एंड वाइस वर्सा। आप लोग जब घर का गेट खोलते होंगे दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे ये इस पॉइंट पे फिक्स होता है, इस पॉइंट पे हिंग होता है, यहाँ पे फिक्स होता है, इसी के अलोंग ये गेट घूमता है, अगर आप यहाँ से फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। लेकिन जब यहाँ से हम गेट को खोलते हैं बहुत आसानी से खोल लेते हैं कम फोर्स में। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ज्यादा है, और हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, जिसकी वजह से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो फोर्स हमें कम लगेगा, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम करेंगे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम करेंगे फोर्स ज्यादा लगेगा उसको करने में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम लगेगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कपल को। कपल क्या होता है? कपल इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। कपल क्या होता है कि किसी एक ही बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाए, दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन इन द सेम बॉडी। मतलब मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, तो ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट करे और दोनों फोर्स जो है वो इक्वल हो, तो उसकी वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कपल बोलेंगे। इधर समझ लीजिए, कपल इज द डिफाइन एज द सेट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन इन द सेम बॉडी, दिस इज द कपल। और एक कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन, और कपल की वजह से कोई बॉडी मोशन लीनियर मोशन नहीं करेगा बल्कि वो क्या करता है, रोटेशन करता है। जैसे कि आप कभी नल चला रहे होंगे तो आप देखते होंगे ऐसे पकड़ेंगे तो इधर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और इधर, और दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, रोटेट कर जाता है। उसी तरीके से ये गाड़ी का व्हील जो खोल रहा है, देखिए दोस्तों एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से ये नट जो है वो रोटेट करने लगता है और खुल जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स थे कपल के। अब हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ कपल। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक मीटर रूलर है मेरा, इसके बीच में ये पॉइंट ओ इसका पिवोटेड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है OA, पूरा जो इसका जो डिस्टेंस है दोस्तों वो डी है। तो उस हिसाब से अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे एट एंड ए, अगर यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस और ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस और ये फोर्स, और ये किस डायरेक्शन में घुमाएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी, बी पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो एफ इंटू ओ बी होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी किस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टोटल मोमेंट ऑफ कपल जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, दोनों का सम। तो एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी, तो यहाँ से एफ कॉमन निकल जाएगा, तो ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू एफ, और एफ इंटू हो जाएगा ए बी, और यही ए बी हमारा क्या है, डी है। तो इस हिसाब से मोमेंट ऑफ कपल आ गया हमारा क्या, एफ इंटू डी, और वो भी कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मोमेंट ऑफ कपल को हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू द आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस और कपल आर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। अब देखिए दोस्तों इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इस पे इधर से भी फोर्स लग रहा है, 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 और जिसकी वजह से ये बॉडी जो है मूव नहीं कर पा रहा है, यहीं पे रुका हुआ है। मतलब बहुत सारे फोर्स किसी एक बॉडी पे लगे और उस बॉडी और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में कोई चेंजिंग ही ना हो, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी किस कंडीशन में है,
इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है और उस पर हम बहुत सारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से भी उसका स्टेट में चेंजिंग नहीं आ रहा है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सॉरी, यहां पे हो जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कोई बॉडी किसमें है, रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है और इस पे जो है हम फोर्स लगा रहे हैं। देखिए इस पे दो फोर्स लग रहा है दोस्तों, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर नीचे ऊपर की ओर और एक नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे फिर भी इन दोनों फोर्स की वजह से भी ये बॉडी का जो स्टेट है रेस्ट वाला वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी किस इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। मतलब व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन Under the several influences forces, the body is in dynamic equilibrium. जैसे कि ये अर्थ, हमारा अर्थ हमेशा रोटेट करते रहता है और इस पे हमेशा दो फोर्स एक्ट होता है दोस्तों, एक सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा, लेकिन फिर भी ये दोनों फोर्स की वजह से इसके मोशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। उस हिसाब से दोस्तों अब देखिए क्या कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है। तो बेसिकली दो कंडीशन होते हैं इक्विलिब्रियम के दोस्तों। पहला क्या कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इस पे जितना भी फोर्स लगेगा दोस्तों उन सारे फोर्सेस का सम जो है वो क्या होगा, रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरीके से द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट ए पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। अब इस पॉइंट ऑफ रोटेशन के खिलाफ इस पे जितना भी फोर्स लगेगा दोस्तों वो सारे फोर्स का अगर हम सम कर लें, सारे फोर्स का सम कर लें तो वो कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो वही बोला था अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। तो ये दो कंडीशंस होते हैं दोस्तों इक्विलिब्रियम के। पहला क्या कि जो उस पे फोर्स लगेगा, जितने भी उस बॉडी पे जितना भी फोर्स लगेगा उसका रिजल्टेंट जीरो होगा, और अलजेब्रिक सम हम सारे मोमेंट ऑफ फोर्सेस का निकालेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। That is the sum of anti-clockwise moments about the axis of rotation must be equal to the sum of clockwise moments about the same axis, जो कि हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं principle of moment। Principle of moment basically क्या बोलता है कि when in equilibrium condition, अगर कोई body equilibrium condition में है तो the total sum of anti-clockwise moment, तो anti-clockwise moment जो होगा वो उसका sum, और जो total clockwise moment होगा वो दोनों का सम आपस में क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। मतलब हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यही बोलता है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और उस पे जो टोटल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो उसका क्लॉकवाइज मोमेंट के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ clockwise moment about the same pivoted point। उसी तरीके से ये एक इसका pivoted point है दोस्तों, इधर एक force लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2 और एक इधर force लग रहा है F3। तो देखिए इस force की वजह से ये body anti-clockwise moment में move करेगा और इस force की वजह से ये body जो है वो clockwise करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस point से anti-clockwise moment जितना है सो F2 into D2, F2 हमारा क्या है ये और ये है D2, F2 और D2 is equal to F1 into D1 plus F3 into D3। ये भी बॉडी क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कराएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक साइड प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मतलब यही बोला गया, सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारा बोलता है कि जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के सम होते हैं सो वो हमेशा इक्वल होंगे क्लॉकवाइज मोमेंट के सम के, जब वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा तब। तो प्रिंसिपल ऑफ एक एग्जांपल यहां पे देख लीजिए दोस्तों, एक एग्जांपल देख लीजिए, टू गर्ल्स आर सिटिंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ए सीसॉ, वन गर्ल वेट 200 न्यूटन एंड इज 1.5 मीटर फ्रॉम द पिवट पॉइंट। मान लीजिए कि ये एक सीसॉ है, इस पे पिवट पॉइंट है, दो गर्ल बैठी हैं, एक इधर दो गर्ल बैठी हैं, एक का वेट है 200 न्यूटन और यहां से पिवटेड पॉइंट से उसका डिस्टेंस है 1.5 मीटर का।
वेयर मस्ट 150 न्यूटन, और इसका वेट बोल रहा है 150 न्यूटन, इसको कहाँ पे रखेंगे ताकि ये जो सीसा है वो बैलेंस हो जाए, क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाए। तो हम जानते हैं क्या कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसकी वजह से ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा और इसकी वजह से ये इधर भी क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा। तो यहाँ पे 200 न्यूटन इंटू 1.5 क्लॉकवाइज मोमेंट, 100 न्यूटन इंटू डिस्टेंस क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ से हम निकाल लिए दोस्तों डिस्टेंस कितना आएगा, 2 मीटर आएगा। तो इस हिसाब से उसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। तो अब देखिए, देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम जानते हैं दोस्तों कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उस ऑब्जेक्ट का पूरा वेट जो है वो केंद्रित हो जाता है। मतलब समझ लीजिए कि पूरा का पूरा होल वेट उस पॉइंट पे एक्ट करता है, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे कि डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी सीम्स टू बी एक्ट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक बॉडी है, इस पे बहुत सारा वेट है, हर पार्टिकल का अपना अपना वेट होगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा दोस्तों जिस पॉइंट पे इस पूरे बॉडी का वेट जो है एक्ट करेगा, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमेशा याद रख लीजिएगा, रेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है दोस्तों वो हमेशा लगभग कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, और इरेगुलर का कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सर्कुलर रिंग है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सर्कुलर डिस्क है, ट्रायंगुलर लेमिना है, सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख सकते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर में ही हो, वो कहीं पे भी हो सकता है। और एक चीज याद रखिएगा, वो भी जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो वो मटेरियल में ही हो या फिर उस सब्सटेंस पे ही हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हम हॉलो सिलेंडर ले लें या हॉलो बॉल ले लें, हॉलो स्पेरिकल बॉल जो कि अंदर से खोखला होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट पे होगा दोस्तों जहां पे मटेरियल नहीं होता, लेकिन फिर भी उस बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे होगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे हो जहां पे हमेशा मटेरियल मौजूद हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग सब जानते हैं दोस्तों क्या होता है, कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन ऑलवेज टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा उस पॉइंट से टेंजेंटली ड्रॉ करेंगे एक लाइन, वही उसका डायरेक्शन बताएगा उस पार्टिकल का। तो यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, ये एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल। तो अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा दोस्तों क्या होगा, वेलोसिटी वो वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, बट उसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिर यूनिफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड जो है वो वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, हमारा वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है पर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसमें स्पीड तो कांस्टेंट हो जाएगा और स्पीड चेंज नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी हमेशा चेंज करेगा क्योंकि उस पॉइंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज करेगा उस पार्टिकल का। तो देखिए दोस्तों कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और ये रहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन तभी करेगा जब वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करे और साथ ही साथ इक्वल डिस्टेंस कवर करे वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता पर इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है इसलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों इसमें क्या है, कांस्टेंट है। इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा, सेम वेलोसिटी से मूव करता है ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एग्जांपल देखिए, एक कार मूविंग फॉरवर्ड एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब एक कार जो है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, तो वो हो गया यूनिफॉर्म लीनियर मोशन।
अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है दोस्तों, तो देखिए व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे स्पीड तो कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन उसका क्या कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या करता है, चेंज करता है। और मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, यहाँ पे मोशन एक्सेलरेट कर सकता है, एक्सेलरेटेड बोलेंगे। जैसे कि एन एथलीट रनिंग इन सर्कुलर पाथ, कोई एथलीट है जो सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बेसिस पे मैं बहुत सारा फिर क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो उस ऑब्जेक्ट पे हमेशा दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक जो रेडियली इनवर्ड होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और रेडियली आउटवर्ड, और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं और ये इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करके रखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स required to provide a centripetal acceleration to a particle so that it moves in a circular path. Centripetal force क्या होता है? एक ऐसा force होता है जो object को centripetal acceleration provide करता है circular path पे move करने के लिए, और at every instant it is directed radially towards the center of the circular path. और यह हर point पे जो centripetal force होगा दोस्तों, वो अंदर की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा centripetal force. अब यहाँ पे बोल रहा है इट इज अ रियल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दोस्तों, ये रियल फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से डिराइव होता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन मैटर की वजह से ये डिराइव होता है, इसलिए ये रियल फोर्स कहलाता है। बट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इज अ टेंडेंसी ऑफ अ पार्टिकल इन इट्स एक्सेलरेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये एक फिक्टिशियस फोर्स होता है, मतलब ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है बाहर की ओर लगता है, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो आसानी से मूव कर पा रहा है, बाहर नहीं जा पाता है, ऐसा माना जाता है। एट एवरी इंस्टेंट इट इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सेंटर सर्कुलर पाथ के अवे बाहर की ओर लगता है। इट इज अ स्यूडो फोर्स, मतलब ये एक नकली फोर्स होता है, सिंस इट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल। ये सिर्फ ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से जो हमारा बॉडी मूव करता है उसके एक्सेलरेशन पे ये इफेक्ट करता है, लेकिन ये एक क्या होता है, फिक्टिशियस फोर्स होता है, मतलब एक इमेजिनरी फोर्स होता है। तो सीधा समझ लीजिए कि ये दोनों फोर्स इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए लगे हुए रहते हैं। इसी तरीके से जब हम सर्कुलर कहीं रोड रहता है, कहीं सर्कुलर रोड रहता है, तो वहां पे जब हम कार चलाते हैं, जब कोई कार चलता है वहां पे, तो वो कार जब इधर घूमता है, तो कभी कभी देखते होंगे कि कार अगर फुल स्पीड में आ रहा है तो वो ये बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ज्यादा लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कम होता है, इसीलिए वो गाड़ी स्किड कर जाता है और बाहर चला जाता है। तो ये था पूरा चैप्टर दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों तक बहुत ही शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक, ताकि आपका दोस्त भी इसका फायदा उठा सके, और जितना से जितना लोग तक आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और इसे लाइक कीजिएगा जरूर इस वीडियो को। और अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके आप इस चैनल को सर्च कर लीजिए @ पढ़ाई अड्डा, और वहां पे जाके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का पूरा पीडीएफ मैं उस पे वही इसी चैनल पे जाके अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों।